वहीं गाजियाबाद के अंदर द 100 बक्स फिल्म का विरोध किया गया। हिंदू जागरण मंच ने फिल्म का विरोध किया है। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर मूवी के बैनर और पोस्टर फाड़े गए हैं। फिल्म के खिलाफ सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। फिल्म को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया जा रहा है। 21 फरवरी को रिलीज हो रही है द 100 बक्स, और द 100 बक्स के खिलाफ ये तमाम लोग हैं। इनका कहना है कि भारत की संस्कृति के खिलाफ ये फिल्म है। आज हिंदू जागरण मंच फिल्म द 100 बक्स का विरोध करने आई है। इसमें जो अश्लीलता परोसी जा रही है, बहनों के मुख से जो गालियां परोसी जा रही हैं, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हिंदू जागरण मंच जिला गाजियाबाद इसको पूर्णतः रूप से बंद कराने की मांग करता है, और इसके विरोध में हम सब लोग गाजियाबाद के जो इसका टेलर आया है उसको हमारे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भेजा गया उसको हम लोगों ने देखा, तो उससे हमें लगा कि भाई जो टेलर में इस तरह की गालियां परोसी गई हैं तो बाद में पूरी फिल्म का क्या हाल होगा, ये देखने के बिल्कुल देखने लायक है ही नहीं। परिवार के साथ हम लोग गालियां कहाँ देखने लायक हैं। तो इसलिए हिंदू जागरण मंच सदैव इसका विरोध करता है। संस्कृति के खिलाफ कोई भी अगर योजना आती है कोई भी, तो हम उसका विरोध करेंगे। कब है ये? 21 फरवरी में ये रिलीज होने जा रही है, ऐसी जानकारी लगी है, तो हम इसका पहले से इसका विरोध करते हैं। देखिए, आज हम यहाँ पे एक फिल्म आई है द 100 बक्स करके, हमने इसका ट्रेलर देखा। उस ट्रेलर में महिलाओं द्वारा कुछ समाज में गालियां परोसी जा रही हैं, जिसे देख के हमें ये लगता है और ये सही भी है कि हमें इसका विरोध करना चाहिए। समाज के जो जागरूक व्यक्ति है उसे इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी बहन बेटियों के साथ जब हॉल में बैठ के या घर पे बैठ के ऐसी फिल्में देखते हैं तो इससे हमारी बहन बेटियों पे क्या असर पड़ने वाला है, ये हमें सोचना आवश्यक है। और इसके लिए हम मांग कर रहे हैं योगी जी से कि ऐसी फिल्मों पे तुरंत रोक लगाई जाए, और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और हम अगर 21 तारीख को ये फिल्म रिलीज होती है तो हम संगठन के साथ बैठ के इसका पूरा ब्यौरा लेंगे कि इसके हम आगे क्या करें।